Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online English classes at Shri Ram College 17 RB Rai Singh Nagar. Students, आज हम करने वाले हैं BA First Year के syllabus के अंदर एक बहुत ही famous poem, The Village Schoolmaster, composed by Oliver Goldsmith. इससे पहले कि हम इस poem को complete करें, हम आज के इस lecture first के अंदर complete करने वाले हैं Oliver Goldsmith का biographical introduction. इस पोइम का जो टेक्स्ट है वो हम इसके लेक्चर सेकंड में पढ़ेंगे. ओके, आई रिमाइंड यू कि आज हम करने वाले हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ की बायोग्राफी, शॉर्ट बायोग्राफी, उनका इंट्रोडक्शन हम करेंगे आज. ओके, तो ओलिवर गोल्डस्मिथ की अचीवमेंट्स क्या है, क्या कुछ इनके मेजर वर्क्स हैं, उनकी हम बात करेंगे. इनकी लाइफ के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा, और इनकी जो पोइम है द विलेज स्कूल मास्टर है, इसका सोर्स क्या है, ये कहां से ली गई है, इसके बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे. चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को. सबसे पहले देखें ओलिवर गोल्डस्मिथ के, अगर अपने बर्थ के बारे में बात करें तो सर्टेन डेट्स हमारे पास नहीं मिलती हैं. फिर भी क्रिटिक्स के द्वारा ये कहा जाता है कि एक बार इन्होंने एक पार्टी के अंदर किसी को बताया था कि मेरा बर्थ 10th ऑफ नवंबर 1730 को हुआ था, और इनकी डेथ 4 अप्रैल 1774 को 1774 को इनकी डेथ हो गई थी. वॉज एन इरिश नॉवलिस्ट, प्लेराइट एंड पोएट, वाज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवल द विकार ऑफ वेकफील्ड. आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, एक नॉवलिस्ट थे, एक प्लेराइट थे, एक पोएट थे, और बेस्ट नोन जो इनका नॉवल था लिटरेचर के अंदर द विकार ऑफ वेकफील्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल्स एवर है, 1766 के अंदर ये पब्लिश हुआ था. ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज पेस्टोरल पोइम द डेजर्टेड विलेज. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक देहाती पोइम है, द डेजर्टेड विलेज, एक पेस्टोरल पोइम है जिसके अंदर देहाती लाइफ के बारे में बताया गया है. यही वो पोइम है, एक लेंथी पोइम है द डेजर्टेड विलेज, जो कि 1770 के अंदर पब्लिश हुई थी, और उसी में से हमारी आज की जो पोइम है द विलेज स्कूल मास्टर लीगी, उसका छोटा सा एक फ्रेगमेंट है. एंड इज प्लेस द गुड नेचर मैन, जो कि 68 में पब्लिश हुआ, एंड शी स्टूप्स टू कंकर 1771, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1773. बहुत अच्छा एक नॉवल है, सॉरी ड्रामा है. ही ऑल्सो रोट एन हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड एनिमेटेड नेचर, ये भी इन्होंने कंपोज किया. ही इज थॉट टू हैव रिटन द क्लासिकल चिल्ड्रंस टेल द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू शूज, द सोर्स ऑफ द फ्रेज गुडी टू शूज, ये भी इन्होंने कंपोज किया. अब और बात करते हैं इनकी लाइफ के बारे में. इट इज नोन फॉर श्योर व्हेन ही वाज बॉर्न, मोस्ट पीपल नाउ थिंक दैट ही वाज बॉर्न इन 10th ऑफ नवंबर 1730. शुरू में बता चुका हूं कि इनकी बर्थ की डेट्स के बारे में कंफ्यूजन है. कुछ लोगों का कहना है कि इनका जो बर्थ है वो 10 नवंबर 1730 को हुआ था. ही वाज द सेकंड सन ऑफ चार्ल्स गोल्डस्मिथ, इनके फादर का नाम था क्यूरेट ऑफ किलकेनी वेस्ट इन वेस्ट मीथ इन आयरलैंड. इन 1745 ही वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, डबलिन के कॉलेज के अंदर ये गए 1745 के अंदर. ही क्विकली स्पेंट ऑल हिज मनी टू गैम्बलिंग. अब इनके एक बैड हैबिट थी कि ये गैम्बलिंग करते थे. ओके, गैम्बलिंग समझते ना, जुआ वगैरह खेलना, तो उसके अंदर इन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया. विच ही बिकेम अडिक्टेड टू, जिसके कि ये अडिक्ट हो गए थे. आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ एडिनबर्ग एंड लंडन, ही स्पेंट 1755 टू 1756 ट्रेवलिंग इन यूरोप. ये जो 55 से 56 का जो साल था, ये इन्होंने पूरे यूरोप को घूमने में लगाया. मतलब इन्होंने टूरिस्ट, आप ये कहें कि एज अ टूरिस्ट ये घूमे यूरोप के अंदर. वेयर इट इज सैड दैट ही लिव्ड बाय प्लेइंग द फ्लूट, और ऐसा भी कहा जाता है कि जब इनके पास में पैसे वगैरह नहीं थे ना, तो ये एक बस्कर बन गए. क्या बन गए? बस्कर, BUS, मैं बता देता हूं आपको, बस्कर बन गए. ये बस्कर का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो सड़कों पे घूमते हुए म्यूजिक बजा के पैसे कमाता है, या अपनी रोजी रोटी, अपनी लाइवलीहुड कमाता है. तो ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके पास में पैसे नहीं थे, जब यूरोप घूम रहे थे, तो सड़कों पर इन्होंने फ्लूट बजाया और उससे पैसे कमा के ये अपना गुजारा करते थे. बिफोर स्टार्टिंग टू राइट ही वर्क इन लंडन एज अ डॉक्टर्स हेल्पर, अ डॉक्टर एंड अ स्कूल यशक. अच्छा, इससे पहले लंडन में जब इन्होंने राइटिंग का वर्क शुरू किया, तो उससे पहले डॉक्टर के हेल्पर भी बने, डॉक्टर भी बने. ओके, he died in 1774 and was buried in Temple Church. 1774 को उनकी डेथ हुई और टेम्पल चर्च के अंदर इनको बुराइड किया गया. अब अगर अपने बात करें, ये तो रही रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी ओलिवर गोल्डस्मिथ की, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि ये जो पोइम है द विलेज स्कूल मास्टर है, आपको मैंने शुरू में कहा कि इनकी लेंथी पोइम थी द डेजर्टेड विलेज. अब देखिए द डेजर्टेड विलेज का रीजन क्या था, कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने बहुत सारा एज अ टूरिस्ट वो घूमे यूरोप के अंदर, तो उन्होंने सबसे जो एक कॉमन चीज क्या देखी, कि जो गांवों के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो किस ओर जा रहे हैं, वो शहरों की ओर जा रहे हैं. ओके, और दूसरी बात यह है कि जो
किसानों की जो जमीन है ना, जो यानी कि फार्म जो फार्मिंग लैंड है, तो उसके उस पर जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो उसको खरीद के अपना गार्डन बना रहे हैं। तो गार्डन बनाते हैं जैसे, इसका मतलब कि पीजेंट्री खत्म हो जाएगी, किसानी खत्म हो जाएगी। तो उस पे चिंता इन्होंने एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेस इज वरीज अबाउट द पीजेंट्रीज एग्जिस्टेंस। ओके, क्योंकि कहते हैं कि अगर ऐसे ही लैंड को लोग अपनी सजावट के लिए यूज करते रहे तो धीरे धीरे किसानों का क्या होगा, गांव खत्म हो जाएंगे। तो तभी उन्होंने बोला ना द डेजर्टर विलेज, शायद ऐसा कोई विलेज जो इन्होंने खुद ऑब्जर्व किया था, और ये अपनी पॉइंट में उस विलेज का नाम ऑबन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑबन, ऑबन लेते हैं। हालांकि रियल में ऐसा कोई गांव नहीं है, शायद इन्होंने जो गांव घूमे थे उनमें से कोई किसी गांव को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और ऑब्जर्व करने के बाद में इन्होंने एक इमेजिनरी नाम लिया ऑबन। तो ऑबन गांव में जब वो रहते थे, तो शायद जब वो वापस गांव आते हैं बड़े होने के बाद में, जिस गांव में वो पढ़ते थे, ओके, थॉमस बर्न जो इनके टीचर थे। अब हालांकि इस पॉइंट में बताया गया कि किस प्रकार से वो गांव के स्कूल में पढ़ते थे, मैं पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, और किस तरीके से जो स्कूल टीचर है उनका कैरेक्टर कैसा था। मेनली जो पॉइंट है वो फोकस इसी पे करती है कि जो जो विलेज स्कूल मास्टर है उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या क्या उसके अंदर यू नो क्वालिटीज हैं। और शायद वो अपने खुद के टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या था, थॉमस बर्न थे, जो कि एक रिटायर सोल्जर भी थे और जो खुद के घर पे एक छोटा सा स्कूल चलाते थे, तो जिनसे ओलिवर गोल्डस्मिथ खुद पढ़े हुए हैं। तो पोइम पोर्ट्रेट्स अ रियलिस्टिक पिक्चर एंड द स्पीकर सेंटीमेंट्स अबाउट अ टीचर। तो ये रियलिस्टिक एक पिक्चर बताती है और उसकी क्या क्या सेंटीमेंट्स हैं, क्या क्या इमोशंस हैं एक टीचर के लिए। द स्कूल मास्टर प्रेजेंट्स इन द पोइम माइट बी द पोएट्स टीचर थॉमस बर्न, और जो स्कूल मास्टर इस पोइम में प्रेजेंट किया गया है शायद वो पोएट खुद का ही टीचर है जिनसे वो पढ़े थे, थॉमस बर्न जिनका नाम है। द पोइम इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल मास्टर हु इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द विलेज ड्यू टू हिज नॉलेज। देखिए, गांवों के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो टीचर होता है ना उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, जैसा कि ओलिवर गोल्डस्मिथ बता रहे हैं कि सारे गांव वाले उसकी क्वालिटीज की वजह से उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसको बहुत इज्जत देते थे। अब जिस गांव की वो बात कर रहे हैं, द विलेज गोल्डस्मिथ इज राइटिंग अबाउट कॉल्ड ऑबन, वो उसको ऑबन कहता है। ओके, इट इज नॉट रियल विलेज, हालांकि ऐसा कोई गांव नहीं है, बट एन इमेजिनरी आइडियल वन, शायद उसने कल्पना की है। इट इज पॉसिबली वन ऑफ द विलेजेस ही हैड ऑब्जर्वड एज अ चाइल्ड एंड अ यंग मैन इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड, शायद जब वो छोटे थे या जब वो घूम रहे थे यूरोप के अंदर, तब उन्होंने किसी गांव को ऑब्जर्व किया होगा। गोल्डस्मिथ रिटर्न्स टू द विलेज दैट ही न्यू एज वाइब्रेंट एंड अलाइव एंड फाइंड्स इट डिजर्टेड एंड ओवरग्रोन। एक ऐसे गांव के बारे में बात करता है कि बहुत जीवंत था, मतलब उसमें सारे लोग बड़े खुश थे, लेकिन जब वो वापिस आता है तो वो गांव पूरी तरीके से डेजर्टेड हो जाता है, उजड़ जाता है जब वो अपने गांव वापिस आता है। ओके, अब अगर अपने इस पोइम की थीम की बात करें, The village schoolmaster, तो poem की theme है, its main theme is one of the nostalgia for villages which were slowly being displaced as economic centers. ये गांवों के लिए दुख express करता है, अपने grief को express करता है, उदासी आप बिल्कुल clearly देख सकते हैं इनके words के अंदर कि किस प्रकार से जो गांव है वो economical centers बनते जा रहे हैं, मतलब गांवों को business के लिए use किया जा रहा है, गांवों की जो land है वहां की जो farming land है उसको business के लिए use किया जा रहा है, या बड़े लोग वहां पे gardens बना रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। फॉर्म की बात करें पोइट्री, तो ये एक पेस्टोरल एलिजी है। ओके, एलिजी क्या होती है कि जब अपने अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करते हैं ना किसी के लिए, तो शायद जो उनका पोइट का जो टीचर था शायद वो दुनिया में नहीं था उस समय, तो जब इन्होंने पोइम कंपोज की तो वो उनके प्रति जो उनके सेंटिमेंट्स हैं तो शायद उनको उनके प्रति वो उनको दुख हो रहा है, दैट इज व्हाई इट्स अ पेस्टोरल देहाती है। कंपोज्ड इन राइमिंग कॉपलेट्स, राइमिंग कॉपलेट्स में लिखा गया, कॉपलेट्स क्या होते हैं, जब दो लाइनों की राइम स्कीम सेम बना के लिखी जाती है ना। ओके, पब्लिश्ड कब हुई थी ये, 1770 के अंदर। ओके, और इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ हिज लॉन्ग पोइम डेजर्टेड विलेज, यानी कि बड़ी कविता शुरू में बता चुका हूं द डेजर्टेड विलेज है, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है ये पोइम। ओके, तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इस पोइम का टेक्स्ट। ओके, और ज्यादा डीपली बात करेंगे हम इस पोइम के अंदर कैसे कैसे व्यूज इन्होंने एक्सप्रेस किए हैं। ओके, तो गोल्डस्मिथ की ये जो पोइम है बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, डेजर्टेड विलेज इनका नॉवल बहुत फेमस हुआ था, द विकार ऑफ वेकफील्ड। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे द विलेज स्कूल मास्टर पोइम का टेक्स्ट, उसको हम एनालाइज करेंगे। ओके, आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स में बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।